भूंगरा गैस त्रासदी को लेकर राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड्डा का कंपनी के खिलाफ गुस्सा फूटा है और आज खुद मंत्री IOCL कंपनी आए हैं, यहां के अधिकारियों से इनकी बातचीत हुई है। सर, क्या बातचीत हुई, किस बात को लेकर कंपनी से आपका गुस्सा है? आज इतनी लगभग 34-35 लोग जो हैं, वो 34-35 लोग एक साथ, जिनकी इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, जिंदे जल गए लोग। और इस मामले के अंदर आपसे मैं जानकारी चाह रहा हूं, अभी तक ये लोग कंपनी के अथॉरिटी के लोग वहां मौके पर नहीं जाना, उनके हालचाल नहीं पूछना, और ये कंपनी का सरेंडर लीक होने की वजह से ये हादसा हुआ। इन्होंने आपराधिक कृत्य किया, इनके खिलाफ तुरंत 302 का मुकदमा दर्ज करके और इन सबको गिरफ्तार करना चाहिए अथॉरिटी। सर, अंदर आपकी कंपनी के अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी, क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पर दूसरी तरह की बातें चल रही हैं कि मंत्री जी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, कंपनी के अधिकारियों को फटकार दिया है, बंधक बना रखा है, क्या बात हुई? बंधक वाली कोई बात नहीं थी, हम बैठे थे, लेकिन मैंने उनको कहा था आप जिससे बात करनी है आप प्राइम मिनिस्टर से कर लो, या पेट्रोलियम मंत्री से बात कर लो, या आप किसी से भी बात कर लीजिए, मुझे आप संतुष्ट करो कि आप घटनास्थल पर क्यों नहीं गए आपने उनका हाल चाल क्यों नहीं पूछा, मैंने ये जानकारी। और इसमें गुस्सा होने की बात है कि जिन लोग जिंदे जल गए, बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, रोज लोग मर रहे हैं, कंपनी की गलतियां कहां देखते हैं सर, कंपनी का क्या फॉल्ट रहा है इस पूरे मामले? गैस सिलेंडर का लीक होना, हलवाई के वहां से लीक नहीं हुआ, सुनने से उसे 30 मीटर दूर गैस सिलेंडर पड़ा था, वो लीक हुआ है और वो गैस सारी फैली है, और इसके खिलाफ इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए इनकी। सर, सरकार पूरी भारत जोड़ो यात्रा में है, आप सरकार की तरफ से या फिर व्यक्तिगत तौर पर वहाँ उस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिल गए, क्या सर आपको नहीं लगा सरकार के किसी और नुमाइंदे को वहाँ पर पहुँचना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को पहुँचना चाहिए, या फिर आपके प्रदेश? वो कोई बात नहीं है, इसमें सबसे पहली बात तो है कि वहाँ के सांसद जो केंद्र में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी हैं, वो गजेंद्र सिंह जी उनके घर जाके आंसू पूछने के लिए नहीं पहुंचे, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये एक आम आदमी जो आसपास के लोगों की है, ये मेरे हिसाब से गजेंद्र सिंह जी ने क्यों नहीं पहुंचे, उनके लिए पार्लियामेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया जी। उनके जब आपके घर में आग लग रही है, लोग जिंदे जल रहे हैं, आपके घर में जिंदे लोग जल रहे हैं, और आपके लिए पार्लियामेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। मैं सोचता हूँ नहीं है। सर, पीड़ित परिवार के लिए आगे किस तरह से आप न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से लगातार पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, आगे की आपकी क्या लड़ाई रहेगी सर, क्या आप चाहते हैं? आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम इस गैस कंपनी को घेर के बैठ जाएंगे, वो पांडा आ जाते हैं और उनसे या तो गए उनको तुरंत रिलीफ दिया जाए इन्होंने, और इनके खिलाफ मैं ये कहता हूँ कि अभी इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनकी गिरफ्तारी होगी, और इसमें अथॉरिटी के खिलाफ, डीलर के खिलाफ नहीं, अथॉरिटी है उनके खिलाफ गिरफ्तारी होगी, जेल में इनको फांसी लगनी चाहिए। तो ये थे राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड्डा, जो आज IOCL के ऑफिस में पहुंचे हैं और यहां के कंपनी के अधिकारियों से इनकी बातचीत हुई है। राजेंद्र गुड्डा लगातार भूंगरा गैस त्रासदी में पीड़ित परिवार को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं, और उसी के सिलसिले में राजेंद्र गुड्डा ने ऐलान किया है कि अगर कंपनी पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो ये कंपनी का घेराव करेंगे और इनको जो इसमें दोषी लोग हैं उनकी सजा की मांग करेंगे।